हाई एवरी वन माई नेम इज़ सुमित्ड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब सो जैसा कि हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए राइट सो हमने पॉलिटिक की डिस्कस कर ली है इकोनॉमी की डिस्कस कर ली है और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न इंडिया की सो so, जैसा कि मैं ये थर्ड पे इसको रखा है एंड इसीलिए थर्ड नंबर पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए हाउ मच दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट तो दिस आई वुड गिव इट अ फोर पॉइंट फाइव स्टार क्योंकि मॉडर्न इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको दिखते हैं मॉडर्न इंडिया में क्या होता है कि कभी कभी ये बेसिकली हिस्ट्री के साथ होता है एक साल वो एंशेंट को बढ़ा के मॉडर्न थोड़ा कम कर देते हैं तो मॉडर्न को बढ़ा के एंशेंट थोड़ा कम कर देते हैं या मेडाइवल थोड़ा ज़्यादा कम कर देते हैं ये होता है बट स्टिल मॉडर्न इंडिया सबसे पहले आपको हिस्ट्री में करना है विच इज़ वेरी वेरी डुएबल राइट अब बात करते हैं इसके सोर्स की राइट right? तो देखिए सोर्स आपको कोई एक फॉलो करना है राइट इधर यू गो फॉर स्पेक्ट्रम और एन राइट मैं आपको सजेशन देता हूँ आप स्पेक्ट्रम फॉलो करिए क्यों क्योंकि स्पेक्ट्रम में एनसीआर का ऑलमोस्ट सारा कुछ इंक्लूडेड है और नई वाली स्पेक्ट्रम तो काफी ज्यादा मोटी भी है और उसमें मेन्स का आपको काफी अच्छे से मिल जाएगा राइट यू डोंट नीड टू फॉलो एनी बिपिन चंद्रा वगैरह ये सब चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है राइट right? सिंपली आप स्पेक्ट्रम फॉलो करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी समरीज भी चैप्टर की मिल जाएगी आपको एक बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है वो खुद में ही एक नोट्स है तो उससे आपको नोट्स नहीं बनाने यू डोंट नीड टू मेक नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम उसी में ही जस्ट मार्केट हाईलाइटेड थोड़ा बहुत लगे तो स्टिकी नोट्स लगा के उसी में ही आप चिपका लो राइट बट ये आपका सोर्स होना रहना चाहिए तो माई बेट वुड बी ऑन स्पेक्ट्रम मैं एनसीआर टी को एज सच प्रेफरेंस नहीं देता बट अगर किसी ने स्टूडेंट एनसीआर टी पढ़ना चाहता है तो वो भी देख देखे राइट ऑल राइट अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट कितने देने चाहिए देखो इसके टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द पीवाई क्यू एंड इसमें ओल्ड पीवाई क्यू और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओल्ड पी वाई क्यू मतलब नाइनटीन एटीज नाइनटीन नाइनटीज ठीक है क्योंकि यार देखो हिस्ट्री डज नॉट चेंज राइट यू नो दैट मॉडर्न इंडिया इंडियन मॉडर्न इंडिया जो है ठीक है इट एंड साइनटीन 1947 तो उसके बाद जो जो भी एग्जाम में पेपर हुए ठीक है एट्टीज नाइन्टीज़ के और अब वॉट हैज़ एपन्ड इज दैट इसका ट्रेंड चेंज हो गया है बीच में व्हाट वाज द ट्रेंड वाज कि मॉडर्न इंडियन इंडिया से क्या होता था दे स्टॉप डास्किंग द फैक्चुअल क्वेश्चन राइट बीच में ये सिक्सटीन सेवनटीन तक ये ट्रेंड हो गया था बट नाउ देर इज अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड अब वो लोग फैक्चुअल क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं कि ये ऑथर कौन सी बुक का है राइट अगेन दे आर ट्राइंग टू कि ये पर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है राइट right? तो ये पहले सवाल आते थे तो अगर वो पहले पूछा गया है तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट सो so प्लीज़ इसको आप अच्छे से करके जाए फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर टू थाउजेंड एटीन वगैरह में जो था देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन आनंद मठ और ये सारी जो नॉवल वगैरह जो लिखी गई थी बंकिमचंद चट्टोपाध्याय वगैरह के द्वारा राइट right, <coughs> जो आपकी ठीक है वो पहले भी आ चुका था ठीक है बट वो तब एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया अब इस बार वो एक क्वेश्चन फॉर्म में आ गया ठीक है तो ये चीज़ आप अच्छे से करके जाएँ ठीक है अब दे आर स्पेशली मोर फोकसिंग ऑन डेट्स ठीक है दे आर मोर फोकसिंग ऑन अब अब जो ये आपका क्विक इंडिया के बात का जो पार्ट हो गया है ठीक है इंडिया का तो ये आप अच्छे से करके जाए ठीक है सो ओल्ड पी वाई की उसका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ आपके ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है दे माइट आस्क यू ऑफ क्वेश्चन जो पहले ऑप्शन में था अब वो क्वेश्चन बना दें राइट अब बात करते हैं टेस्ट तो देखिए एज इट इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट एंड इसके आई वुड सजेस्ट क्यों आप दो से तीन पेपर लिखें ठीक है यानी तीन सौ सवाल आप मॉडर्न इंडिया पे करके जाएं राइट प्लस प्रीवियस ईयर में भी आपको चार पाँच सौ सवाल मिल जाएंगे ठीक है इतने क्वेश्चन कर लें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर निकाल लें शॉर्ट नोट्स निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so प्लीज़ शॉर्ट नोट्स ज़रूर निकालें इससे ठीक है एंड उनको बार 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 देखिए ना याद करने की कोशिश करें रिवाइज करें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते सर याद नहीं होता ठीक है भाई याद सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है एंड दैट लॉजिक इज कॉल्ड एज रेपिटेशन रिपीट ठीक है अनटिल अनलेस यू रिपीट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न तो सिंपल सी बात है बार बार उस चीज को पढ़ना है ठीक है सो ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स 15, 20 पेजेस के अगर आपके बन जाए दस पंद्रह पन्नों के दैट इज मोर देन एनफ टू गेट यू गुड मार्क्स ठीक है एटलीस्ट इट विल हेल्प यू इलिमिनेट ठीक है बस एक चीज़ ध्यान रखना मॉडर्न इंडिया में ज़्यादा इलिमिनेशन वगैरह प्रैक्टिस मत करना बिकॉज समटाइम्स वॉट हैपन्स इज दैट इसमें ये सब नहीं चलता ऑल द मेम्बर्स ये सब ना थोड़ा सा कम चलता है मतलब ये आपको लगेगा ठीक है क्योंकि जो है वो है सो इसीलिए मॉडर्न इंडिया में अगर इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स तो देखिए थोड़ा सा कंटेंट पे कमांड होना चाहिए ठीक है अब जैसे इकोनॉमी साइंस एंड टेक में अगर थोड़ा सा कंटेंट पे कमांड हल्का भी है बट इफ़ यू आर वेरी गुड इन सॉल्विंग द द यू कैन से क्वेश्चन तो हो जाता है बट दिस डज नॉट वर्क इन मॉडर्न इंडिया सो अवॉइड गेसिंग ठीक है सेकेंड सॉल्व अ लॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन एज वेल एंड थर्ड इज द टेस्ट पेपर विथ शॉर्ट नोट्स मॉडर्न इंडिया कहीं नहीं जा रहा है इजी टॉपिक है एंड थर्ड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस आफ्टर पॉलिटी इकोनॉमी एंड मॉडर्न इंडिया ठीक है चलिए सो नेक्स्ट आई विल कम अप विद द फोर प्रायरिटी इसको देनी चाहिए दैट विल बी टुमारो अ न्यू वीडियो विल बी पब्लिश्ड ठीक है तो उसमें हम नेक्स्ट इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे चलिए देन मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ बाय